मैं दिल्ली स्थित झारखंड भवन से प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहता हूं। झारखंड सरकार फिर हड़बड़ी में गड़बड़ी कर डाला है। विगत 11 नवंबर को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर जो स्थानीयता विधेयक पारित किया है, ये ना तो झारखंडियों के जन आकांक्षा के अनुरूप है, ना तो संविधान सम्मत है। इस विषय पर मैं प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ये कहना चाहता हूँ, मैं झारखंड राज्य निर्माताओं में से एक हूँ जो झारखंड ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के आजसू के संस्थापक के साथ वैसे पूर्व विधायक हूँ जो झारखंड अलग राज्य मांग को लेकर के बिहार विधानसभा की सदस्यता से मैं त्याग पत्र दिया हूँ। इसीलिए मैं ये हक बनता है, मुझे दर्द भी है कि झारखंड सपनों का झारखंड नहीं बना। ये भगवान बिरसा मुंडा धरती अब्बा, इन्होंने कहा था कि अबुआ दिसुम अबुआ राज, भगवान बिरसा मुंडा के सपनों का झारखंड नहीं बना। ना तो बृहद झारखंड बना, ना तो बेहतर झारखंड बना। नाम का आदिवासी झारखंड है, लेकिन आदिवासियों में दिकू भरा हुआ है और बाहरी मानसिकता में ये विधेयक ऐसे बना दिया जिसका मैं सरकार को मैंने सुझाव दिया था कि स्थानीय नीति ऐसा बनाओ जो भारत का संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 16(3) में जो प्रोविजन है, तो स्थानीयता संसद बना सकते हैं किसी राज्य के लिए। मैंने एक मॉडल पेश किया कि आज 12 वर्षों के अंदर में 11 बार सरकार बनी और 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, 5 बार चुनाव हुआ, लेकिन झारखंड की तस्वीर नहीं बदली, झारखंडियों का तकदीर नहीं बदला। और नेता बने लेकिन नीति नहीं बना, और जब नीति बना तो गड़बड़ करके गड़बड़ घोटाला फिर कर दिया। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 1932 का जो स्थानीय नीति है ये आधी अधूरी है। 1932 का खतियान को आधार मानक नहीं हो सकता है। 1932 का खतियान ये धनबाद और बोकारो जिला में अंतिम सर्वे हुआ है, उसके पूर्व जो सर्वे हुआ है उसका निर्धारित नहीं किया गया। उसके बाद जो मैं प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहता हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, यहाँ उसका नाम दर्ज है, मधुकोड़ा का जिला मेरी जिला, सूर सिंह बेसरा का जिला, शैलेंद्र महतो का जिला, पूर्व सांसद कृष्णा माडिक एक्स एमपी का जिला, झारखंड राज्य बनाने में जो बहुत बड़ी उसूल है उन लोगों की, उनका 1964 का जो खतियान के आधार है वो शामिल नहीं किया गया। हजारीबाग का सर्वे को भी शामिल नहीं किया गया है। पलामू गढ़वा का भी शामिल नहीं किया गया। संथाल परगना का खतियान को भी शामिल नहीं किया गया। और हम ये कहना चाहते हैं कि आर्टिकल 16 में प्रोविजन है उसके मुताबिक नहीं है। आंध्र प्रदेश संविधान के अनुच्छेद 371(d) में आंध्र प्रदेश पर विशेष उपबंध बनाया गया है। वहाँ पर स्टेट केडर टॉप टू बटम वहाँ के लोगों को नौकरी देने की प्रावधान है, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं बनाया है। हेमंत सोरेन सरकार जिस तरह से लापरवाही किया है, उन्होंने इस संविधान के साथ जोड़ दिया है कि अधिवास, मतलब देयर इज ए प्रोविजन इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 5 द डोमिसाइल। डोमिसाइल मीन्स अधिवास, अधिवास का मतलब भारतीय नागरिकता। इन्होंने खतियान के साथ साथ 1932 के खतियान के साथ अनिवार्य था, उन्होंने अधिवास को जोड़ दिया है, जो बिल्कुल ये गैर कानूनी है, असंविधानिक है। मैं ये हवाला देना चाहता हूँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट 2002 में उन्होंने ऐसा जजमेंट दिया है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी एक राज्य का स्थानीय निवासी बन सकता है। इसलिए ऐसे ही हाईकोर्ट में रिजेक्ट हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तो जाएगा नहीं। और 9th शेड्यूल जहाँ तक का कहना है, ये 9th शेड्यूल लोकसभा से पारित हो सकता है। एनी एक्ट, एनी प्रोविजन, एनी माने ऑर्डिनेंस जब तक कि राज्य सरकार का केंद्र को भेजा जाएगा, और केंद्र सरकार तभी वो किसी एक्ट को पारित कर सकता है, लोकसभा से ही पारित हो सकता है। इसीलिए 9th शेड्यूल को भेज देना मतलब केंद्र के पाले में फेंक देना है। 2024 में झारखंड में चुनाव होना है, 2024 में केंद्र में लोकसभा का चुनाव होना है, और इस दरमियान इन्होंने दोनों को भेज दिया, आरक्षण नीति को भेज दिया, स्थानीय को भेजा। इसलिए हेमंत सोरेन सरकार इसको पुनर्विचार करे, अपने विवेक बुद्धि करे
और इंटेलेक्चुअल आदिवासी बुद्धिजीवी मूल वासियों को रखे, यहाँ के तमाम कलाकारों को रख दिया है और सारे लुटेरे लोगों का अलीबाबा 40 चोर का झुंड में ये राज चला रहा है। ये अलग राज बनाने वाले मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए उनको सचेत आगाह कर देना चाहता हूँ, वो सचेत हो जाए और आदिवासी मूलवासी के लिए स्थानीय नीति बने, नहीं तो 2024 में जो बिरसा मुंडा का संकल्प है उसको उखाड़ फेंकने का हम दिल्ली से झारखंड भवन से और बिरसा मुंडा का संकल्प लेते हुए मैं ऐलान कर रहा हूँ और उनको सरकार की चुनौती दे रहा हूँ। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।